हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ टॉपिक से लास्ट कुछ लेक्चर से हम बायोमॉलिक्यूल इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे ऑफलाइन मोड पे। अब यहाँ पर मैं चूंकि लॉकडाउन लग चुका है इसलिए मैं ऑनलाइन मोड पे रिकॉर्डेड फॉर्म में ये आगे के टॉपिक्स और आगे के बचे हुए यूनिट्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं समझता है तो मुझे कमेंट करना है, मैसेज करना है, मैं उसको इलेबोरेट करने की और अच्छे से कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में हमने अब तक डिस्कस किया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डिफरेंट एनालिटिकल मेथड बायोमॉलिक्यूल का केमिकल एनालिसिस करने के लिए जो कि हम करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आज का जो डिस्कशन है हमारा वो है लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करूंगा जो कि टोटली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन है। मैंने यहाँ पर हमारे सहूलत के लिए ताकि ये टॉपिक हमें अच्छे तरीके से समझ में आए, इस मकसद के चलते मैंने यहाँ पर इस टॉपिक को चार ग्रुप में डिवाइड किया है, चार अलग अलग सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है। कॉर्नर फर्स्ट, कॉर्नर सेकंड, कॉर्नर थर्ड एंड कॉर्नर फोर्थ। ये फोर्थ डिफरेंट कॉर्नर्स के बेसिस पे हम लिपिड को समझने की कोशिश करेंगे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ आप लोगों को कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये केमिस्ट्री में भी है बायोमॉलिक्यूल टॉपिक्स, इसमें आप केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ बायोलॉजिकल डिस्कशन कर रहा हूँ बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड। कॉर्नर फर्स्ट में मैंने यहाँ पर देखो पहला कॉर्नर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने लिपिड की डिफिनेशन यहाँ पर मेंशन किया, इट इज अ ऑर्गेनिक एस्टर्स इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ईस्टर है। ईस्टर मतलब क्या? आर ओ ओ आर जो ग्रुप होता है उसको हम ईस्टर बोलते हैं जनरली, और ये वाटर इनसॉल्युबल है। आप सब लोगों को पता है कि लिपिड बेसिकली वाटर इनसॉल्युबल है, मतलब ये कि इट इज अ ऑर्गेनिक एस्टर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इसका बेसिक केमिकल नेचर है। अब यहाँ पर देखिए कुछ लिपिड की बेसिक प्रॉपर्टीज पे चर्चा होगी और उसके बाद कुछ स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन कॉर्नर सेकंड में मैं मेंशन करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है बेंजीन है क्लोरोफॉर्म है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की एग्जाम्पल है, जिसपे स्पेसिफिक पोलरिटी नहीं होती है उसको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। तो लिपिड की प्रॉपर्टी क्या है कि ये सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हिसाब से। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, वो सिंपल फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड आर सी ओ एच, आर ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे उस हिसाब से इस पर्टिकुलर लिपिड की टाइप्स चेंज होंगी, जैसे कि 20 कार्बन एराकिडोनिक एसिड में होते हैं, 16 कार्बन पाल्मिटिक एसिड्स में हम देख सकते हैं। ये बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से हमने लिपिड्स को कैटेगराइज करना है। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दो टाइप के हमारे पास फैटी एसिड देख सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन सिंगल बाउंड होगा, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बाउंड होगा। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है जनरली हम इसको फैट्स कहते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को जनरली हम ऑयल्स के कैटेगरी में लेते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो बेसिक नेचर होता है इनमें कार्बन कार्बन डबल बाउंड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बाउंड होते हैं। बेसिकली लिपिड्स में ग्लिसरॉल भी आएगा, ओएल सफिक्स है हमारे अल्कोहल के लिए, ग्लिसरॉल जिसका दूसरा नाम है ट्राईहाइड्रोक्सिल प्रोपेन। ट्राईहाइड्रोक्सिल प्रोपेन मतलब तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उसमें और तीन कार्बन होते हैं, इसलिए प्रोपेन हमने उसको नाम दिया। आयुपेक नॉमेनक्लेचर सिस्टम और कॉमन टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर सिस्टम आपको केमिस्ट्री में है, नॉमेनक्लेचर आप उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, कुछ मैंने लिपिड के प्रॉपर्टीज मेंशन किया जिसमें नंबर वन ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और ये सिंपल फैटी एसिड है, आर ग्रुप को चेंज करने पर उसके अलग अलग कैटेगरीज हम देख सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसमें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। उसके बाद कॉर्नर टू पे आते हैं हम बिना किसी देरी किए कि कॉर्नर टू पे देखिए यहाँ पर मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर मेंशन किया, जैसे कि देखो स्ट्रक्चर ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें 15 कार्बन है, 16 कार्बन है,
ये मिलाकर अगर देखेंगे COH वाला तो इसमें 16 कार्बन है। ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राइग्लिसराइड्स आर ग्रुप को जैसे चेंज करेंगे उस हिसाब से उसके नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड मतलब क्या, जिसमें तीन डिफरेंट आर ग्रुप हमने अटैच किए इसलिए ट्राइग्लिसराइड। और यहाँ पर देखिए कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ये क्या है, ये डेरिवेटिव है लिपिड्स की, कोलेस्ट्रॉल ये लिपिड्स की डेरिवेटिव है। जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स है और बहुत सारे एंजाइम्स है हमारे बॉडी में, खास तौर पे जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स है ये फैट बेस होते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर लेसिटीन और फॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया, जिसमें बल्की ग्रुप है अटैच बहुत ज्यादा, बल्की ग्रुप तीन मिथिल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन को, और यहाँ पर देखिए फॉस्फेट ग्रुप भी है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स बोल सकते हैं हम, क्यों तो लिपिड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है इसलिए हम इसे फॉस्फोलिपिड्स भी कह सकते हैं। और कोलेस्टेरॉल ये क्या है, एनर्जी का सोर्स है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर कुछ लिपिड्स के कैटेगरीज फैट्स और ऑयल के यहाँ पर बहुत सारे मेंशन किया हूं जो एनसीईआरटी में आपके दे रखा है। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप डिटेल में केमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। चलो फिर हम आते हैं चौथे कॉर्नर पे। यहाँ पर मैंने लिपिड्स का बेसिक क्लासिफिकेशन किया, डेफिनेशन तो आप सबको पता है, इट इज अ एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और यहाँ पर देखिए लिपिड्स के क्लासिफिकेशन में मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड में एक फैटी एसिड होगा और एक ग्लिसरॉल होगा। डाइग्लिसराइड में क्या होगा, दो फैटी एसिड होंगे और ग्लिसरॉल होगा। ट्राइग्लिसराइड में यहाँ पर तीन फैटी एसिड होंगे और ग्लिसरॉल होगा। ग्लिसरॉल ये वाला स्ट्रक्चर रिंग और ये जो चेन है तीन कार्बन वाली और उसके साथ ये ग्रुप मान लो, ये ग्रुप मान लो, और ये तीन अलग अलग यहाँ पर ग्रुप अटैच है फैटी एसिड्स के, इसलिए इसको ट्राइग्लिसराइड बोले। ट्राइग्लिसराइड तीन फैटी एसिड के ग्रुप अटैच है और आर ग्रुप की नंबर्स चेंज हो सकते हैं कार्बन एटम, उस हिसाब से फिर उसके फर्दर क्लासिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये बेसिक टाइप है उसके इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल। उसके बाद कॉर्नर फोर्थ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर हमने कॉर्नर फोर्थ में फंक्शंस डिस्कस किया है लिपिड्स के। ये जो कॉर्नर्स मैंने अभी बनाया हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने के लिए है, आपको आसानी से ये लेक्चर समझ में आना चाहिए, क्या डिस्कस हो रही है ये अंडरस्टूड होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ फॉर ईज ऑफ अवर डिस्कशन एंड योर अंडरस्टैंडिंग। ये पर्टिकुलर फंक्शन के डिस्कस के बाद दो एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। कमेंट बॉक्स में आपने एमसीक्यूज का आंसर मुझे देना है, जो भी उसका आंसर होगा मैं आपके आंसर्स का इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में। लास्ट में अभी फंक्शन डिस्कस करने के बाद मैं दो एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जो आपके स्क्रीन पे भी शो होंगे। तो फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के चार फंक्शन मैंने डिस्कस किया एज अ एनर्जी सोर्स। ये जो फैट्स है ऑयल्स है ये एनर्जी का सोर्स भी हो सकते हैं, स्टोरेज कंपाउंड हो सकते हैं, रिजर्व एनर्जी हो सकती है, जैसे कि बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड्स और फैट्स ये रिजर्व एनर्जी होती है। हमको एम्फीबोलिक पाथवे देखना है, एम्फीबोलिक पाथवे में हम देखेंगे कि फैट्स से कैसा एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जो ग्लाइकोलाइटिक साइकिल होती है उसके बाद क्रेब साइकिल होती है रेस्पिरेशन में, तो उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर कैसा एक्ट होता है लिपिड और ग्लिसराइड्स, ये हम समझने की कोशिश करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टॉपिक में एम्फीबोलिक पाथवेज हेडिंग के माध्यम से। वैसे आप अभी भी उसको पेजेस देख सकते हैं, 11 का जो टेक्स्ट बुक है हमारा उसमें रेस्पिरेशन टॉपिक में एक हेडिंग है एम्फीबोलिक पाथवे, एक बार वो एम्फीबोलिक पाथवे का डायग्राम भी आप देख लिए तो आसानी होगी, मैं भी यहाँ पर स्क्रीन पे वो शेयर कर रहा हूँ। स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स, हमारा जो लिपिड्स है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी होता है, आपको पता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा है उसमें फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होती है, तो ये फॉस्फोलिपिड हमारे सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वहां पर आप डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए फैट्स रेस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, तो ये जो लिपिड्स हैं ये लिपिड्स बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए एज अ सॉल्वेंट एक्ट हो सकते हैं, ये सब उसके बायोलॉजिकल फंक्शन है। एंड लास्ट वन फंक्शन एज एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल
सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन नर्व फाइबर्स। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन होता है, मतलब हमारे न्यूरॉन से और एक्सॉन से इंपल्स ट्रैवल्ड होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो कि मैसेज का एक फॉर्म है, उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रैवल करने के लिए एज अ इंसुलेटर वहां पर फैट का होना और ऑयल का होना, लिपिड्स का होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम डिस्कस करते हैं और आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो नर्वस टिश्यू होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा फैट्स और ऑयल्स, लिपिड बेस्ड सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पर इंसुलेटिंग मूवमेंट हो सके। होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ गया होगा। चार कॉर्नर में मैंने डिस्कस किया, पहला कॉर्नर जिसमें हमने बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस किए, दूसरे कॉर्नर में हमने स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन पे हमने इस पे बहुत डिस्कशन किया, उसके बाद थर्ड कॉर्नर पे हमने इसका बेसिक क्लासिफिकेशन देखा इन टर्म्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और लास्टली फोर्थ कॉर्नर में हमने इसके फंक्शन डिस्कस किए, जिसमें चार फंक्शंस मैंने डिस्कस किया हूं। अगर ये टॉपिक समझ में ना आए तो रिपीट देखिए, अगर समझ में आता है तो फिर उसको कमेंट करके मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स करिए, नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चंस करिए, मैं ऐसे इलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों यहां पर देखो, मैं दो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूं जो स्क्रीन पे आप लोगों से शेयर भी हो रहा है। एमसीक्यूज नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाइड along with its related functions। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, दोनों भी स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना है, मैं नहीं बोलूंगा कि तो आपको आंसर देना है। ए ऑप्शन ए है, ए ट्राइग्लिसराइड सोर्स ऑफ एनर्जी, बी यूरासिल अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए, ऑप्शन सी है ए लेसिथिन अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ऑप्शन डी है बी एडेनाइन अ न्यूक्लियोटाइड दैट मेक्स अप अ न्यूक्लिक एसिड। तो ये चार ऑप्शन है और आंसर को अंडरस्टूड करके देना है, कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये भी आपको आंसर करना है। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, फैट मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं। ऑप्शन ए है 1 glycerol and 3 fatty acid molecules, ऑप्शन बी 1 glycerol and 1 fatty acid molecule, ऑप्शन सी 3 glycerol and 3 fatty acid molecule, एंड ऑप्शन 4 3 glycerol molecule and 1 fatty acid molecule। तो यहाँ पर बच्चों मैंने दो एमसीक्यू आपसे शेयर किया है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो ये एमसीक्यूज भी 100% आपको समझ गए होंगे। इसके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे जो भी आंसर आना है वो आंसर ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है, और कुछ अगर डाउट हो तो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर देखिए, आयशा है, तंजीन है, फायजा है, मुस्फिरा है, और बहुत सारे दूसरे भी बच्चे हैं, सानिया है, सौरव है, अब्दुल अहद है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, धनवे है, बिलाल खान है, ठीक है। सबका नाम मेंशन करना जरूरी नहीं है, नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि आप लोगों ने लेक्चर देखना चाहिए, मेरा हर बच्चे पे फोकस है, ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहे हैं, वरना हम प्रोफेशनल यूट्यूबर्स नहीं है कि हर लेक्चर एक सब्सक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सके। फिर भी मैं आपके लिए लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेड एक्सलेंस क्लासेस का जो दूसरा चैनल है वहां पर भी कंसिस्टेंसी से लेक्चर्स आ रहे हैं, खास और खास आपके बैच के लिए बन रहे हैं, और इसको आपको लॉकडाउन में एज अ अपॉर्चुनिटी समझ के लेक्चर्स देखना चाहिए, और कुछ डाउट रहा तो पूछना चाहिए। अब आगे के लेक्चर में हम अपकमिंग जो हेडिंग्स है उस पर डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू।